नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन लेकर आया हूँ जो कि छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में है, जो कि रेगुलर भर्ती है और यहाँ पर इसका पे स्केल भी बहुत बेहतरीन है। तो आइए देखते हैं, यह जो भर्ती है CMDC में निकली है और इसके लिए जो लास्ट तिथि है उसके बारे में यहाँ पर मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस करके रखे रहे ताकि जब भी मैं इसी तरह के जॉब से रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। तो आइए यहां पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में सीधी भर्ती के निम्नांकित रिक्त पदों के लिए यहाँ पर 23/2/2022 के शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का वेतनमान रिक्त पदों की भर्ती नीचे दी गई है, तो आइए मैं बताता हूँ। यह जो भर्ती है ऑफलाइन भर्ती है, आपको ऑफलाइन भेजना है और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पते पर। और यह इसके लिए जो भर्ती है सीधी भर्ती है, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, परसेंटेज बेस से यह भर्ती होगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर पद हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर सहायक भौमिकी का यहाँ पर एक पद है जो कि अनारक्षित के लिए है और वेतन बैंड है यहाँ पर 15,600 से 39,100, लेवल 12 का और ग्रेड पे आपका 5,400, मतलब यह सेकेंड ग्रेड अधिकारी की पद है। और जो आयु सीमा है अधिकतम 40 वर्ष और जिसको ST SC OBC को जो छूट मिलती है वह छूट मिलेगी और न्यूनतम आपका 21 वर्ष रहेगा। उसके बाद आपका दूसरा है सर्वे ऑफिसर का एक पद है, इसके लिए भी सेम पे स्केल यहाँ पर रखा गया है, इसमें भी एक पद है। उसके बाद सहायक प्रबंधक भौमिकी का एक पद है, इसमें 9300 पे स्केल है और ग्रेड पे आपका 4400 है, लेवल 10 का रहेगा, इसमें भी आपका एक पद है। उसके बाद आपका जूनियर फोरमैन का है एक पद और इसके लिए जो वेतन है 9300 पे स्केल है और 4300 ग्रेड पे। उसके बाद आपका ड्राफ्ट मैन है मानचित्रकार एक पद और इसमें सभी में अनरक्षित के लिए एक पद है, इसमें कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे OBC का हो या ST है SC हो, सभी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिस जो इसकी योग्यता रखते हैं, तो योग्यता मैं आपको नीचे बताऊंगा। उसके बाद आपका ट्रेसर का एक पद 5200 से 20200 पे स्केल है और ग्रेड पे आपका 1900 रहेगा, लेवल 4 का, तो इसमें भी आपका एक पद है। और इसके लिए आयु सीमा है कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं जो विस्तृत विज्ञापन है, नियम एवं शर्तें। तो चयन पद्धति, सबसे पहले चयन पद्धति की बात कर लें तो पद क्रमांक 1 एवं 2 के लिए शैक्षणिक अर्हता 70% अंक, अनुभव 20 और साक्षात्कार 10 अंक रहेगा। उसके बाद 3, 4, 5, 6 के लिए शैक्षणिक अर्हता 90% और साक्षात्कार 10 अंक निर्धारित रहेगा। शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव के आधार पर एक पद के विरुद्ध 15 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची यहाँ पर तैयार की जाएगी साक्षात्कार के लिए। तो यह आपके पास बोला जाए तो गोल्डन चांस है, रेगुलर भर्ती है और पे स्केल बहुत बेहतरीन है, अधिकारी लेवल का पे स्केल है। तो जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़, सबसे पहले सामान्य वर्ग के आवेदक की आयु 1/1/2022 को कॉलम 9 के अनुसार होगी तथा विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिए अधिकतम आयु में जो छूट है वह छूट लागू रहेगी। अधिकतम छूट मिलाकर यहाँ पर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष छूट दी जाएगी, मतलब 40 वर्ष रहेगा। सीधी भर्ती के समस्त पदों पर राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली छूट यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद आइए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो योग्यता है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसका फॉर्म आपको नीचे मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जो फॉर्म का फॉर्मेट है। साथ ही साथ फूड इंस्पेक्टर के जो प्रैक्टिस सेट है आपको भी नीचे मिल जाएगा एवं छात्र और शिक्षक का जो अपडेट आया है वो भी आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर आप जरूर देखिए। सहायक भौमिकीविद का यहाँ पर जो योग्यता है, तो सबसे पहले भू विज्ञान में स्नातकोत्तर या MTech जिसमें कम से कम 60% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो, किसी शासकीय संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम, निजी संस्थान में न्यूनतम 5 वर्षों का कार्य का अनुभव होना चाहिए। तीसरा, अधिक उम्मीदवार होने पर उम्मीदवार को चयन में वरीयता होगी जिन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा जियोलॉजिकल रिपोर्ट, माइन मॉडलिंग तथा माइनिंग प्लान एवं DGPS सर्वे आदि तैयार करने का ज्ञान हो। उसके बाद दूसरा, जो सर्वे ऑफिसर है शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री
सिविल अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कम से कम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। उसके बाद दूसरा है निदेशक खान सुरक्षा द्वारा जारी सर्वेयर सर्टिफिकेट। तीसरा है किसी शासकीय निजी संस्थान में आपका सेमी मैकेनाइज माइंस में सर्वे कार्य का 5 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद जो सहायक प्रबंधक है उसके लिए यहाँ पर भू विज्ञान में स्नातकोत्तर जिसमें कम से कम 60% प्राप्तांक होना चाहिए जिसके साथ आप उत्तीर्ण किया हो। उसके बाद है जूनियर फोरमैन के लिए शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हो। खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी फोरम सक्षमता प्रमाण पत्र धारक हो। उसके बाद ड्राफ्टमैन है। ड्राफ्टमैन मतलब मानचित्रकार। वास्तुकला में डिप्लोमा या ITI में ड्राफ्टमैन उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र है। उसके बाद ट्रेसर है। तो ट्रेसर के लिए यहाँ पर ड्राइंग विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण या ITI में ड्राफ्टमैन ट्रेड का प्रमाण पत्र धारक हो। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक। इसमें केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसका ध्यान जरूर रखिएगा। और जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। यहाँ पर आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिटेल में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आवेदन पत्र पर न्यूनतम पासपोर्ट साइज तथा फोटो स्वप्रमाणित लगाना अनिवार्य होगा। वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूचियों की स्व सत्यापित छाया प्रतियों सहित उम्मीदवार का आवेदन पत्र दिनांक 23/2/2022 शाम 5 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के से प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड सेक्टर 24 ब्लॉक A विंग 7 तृतीय तल नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत विलंब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और इसका पूरा डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आवेदन पत्र का प्रारूप है ये भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहे तो आपको इस चैनल में फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।